वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन का। एक पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट है जिसको कहा जाता है आरएनए इंटरफेरेंस। सबसे पहले यह जानना है कि बायोटेक्नोलॉजी में आरएनए इंटरफेरेंस क्यों आया। नहीं, क्योंकि ये जो है ये एक पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट है। क्या है ये? रेसिस्टेंट प्लांट है। अगर प्लांट में अगर डिजीज कॉज करता है तो चूंकि ये क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, अगर उसको डाल दिया जाए तो प्लांट क्या होगा, प्लांट का एक ग्रोथ करेगा, डेवलप करेगा। तो आप जानते हैं कि आरएनए इंटरफेरेंस है क्या। आप जानते हैं कि प्रोसेस इन विच आरएनए मॉलिक्यूल्स इनहिबिट्स जीन एक्सप्रेशन बाय न्यूट्रलाइजिंग टारगेट एमआरएनए। नहीं, क्या कहते हैं, टारगेट एमआरएनए मॉलिक्यूल। इसमें ये ऐसा प्रोसेस है आरएनए आए, जो कहा जाता है कि वहां पे आरएनए को इनहिबिट किया जाता है। तो आप जानते हैं कि ये जो केस आया था, ये केस आया था किसमें, टोबैको प्लांट्स में। किसमें आया था? टोबैको प्लांट्स में आया था। और इसमें जो पेस्ट था, पेस्ट का नाम क्या था, नीमाटोड। नहीं, ये नीमाटोड इंसेक्ट है, जो इंसेक्ट जिस फाइलम में आता है, नहीं, उस फाइलम का क्या नाम है, नीमाटोडा, जिसे क्या कहते हैं, राउंड वर्म भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? तो पेस्ट क्या हुआ, पेस्ट हुआ नीमाटोड। इंसेक्ट क्या हुआ, इंसेक्ट। फाइलम किस में आता है, नीमाटोडा, जिसको आप राउंड वर्म भी कहा जाता है। नहीं, और इसका जो बायोलॉजिकल नेम है, उसका बायोलॉजिकल नेम है मेलोइडी गाइनी इनकॉग्निशिया। मतलब ये जो पेस्ट रेसिस्टेंट, मतलब ये जो इंसेक्ट है, ये जब प्लांट्स में इंजेक्ट किया जाता है तो वहां पे जो टोबैको प्लांट्स है, टोबैको प्लांट जो है वो उसका ही क्या होता है, उसका एक ग्रोथ होता है, नहीं, प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। तो कहने का मतलब है कि ये टोबैको प्लांट्स में पेस्ट नेमाटोड किस में आता है, नेमाटोडा फाइलम में। और 21 एनिमल के द्वारा, 21 इंसेक्ट के द्वारा हुआ, इसको आता है मेलियो डी गाइनी इनकॉग्निशिया। तो क्या था ये जो पेस्ट रेसिस्टेंट है, जो पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट है, जब ये प्रॉब्लम आया, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आरएनएआई मेथड लाया गया। जो आरएनएआई कहां होता है, ये डिफेंस का काम करता है, ये डिफेंस का काम करता है, जो कहां पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में। कहां पाया जाएगा, यूकैरियोटिक सेल में। आप देखिए यहां पे क्या होता है, तो कहने का मतलब ये है टोबैको प्लांट्स है, जो टोबैको प्लांट्स क्या है, होस्ट है, और इसका वेक्टर क्या होगा, इसका वेक्टर होगा आपको
एग्रो बैक्टीरियम कहा जाता है, प्लांट्स के लिए जो यूज होता है वेक्टर एग्रो बैक्टीरियम। तो ये जो होस्ट है कहा जाता है कि इसके प्लांट्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें क्या होता है, मैसेंजर आरएनए होता है। क्या हुआ, मैसेंजर आरएनए। जब प्लांट्स में आपने बाहर से डीएनए डाला, नहीं सिंगल स्टैंडर्ड आपने डीएनए डाला, तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए डालने के बाद ये क्या हो जाता है, ये होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब एक बार डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्म करता है। मतलब ये हुआ कि जब टोबैको प्लांट्स बिकॉज मैसेंजर आरएनए, और जिसके वजह से क्या होता है टोबैको प्लांट्स डैमेज होता है, जब उसका डीएनए मॉलिक्यूल जब इन करता है किसमें, टोबैको प्लांट्स में, तो वहां उसको क्या करता है, डैमेज कर देता है। तो वहां पे चूंकि बाहर से ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए डाला गया तो चार्ज का फॉर्मेशन हुआ डबल स्टैंडर्ड आरएनए का। चार्ज का फॉर्मेशन हुआ डबल स्टैंडर्ड आरएनए का। मतलब ये आप देख लीजिए, ये प्लांट्स है ना, ये प्लांट्स कहने का मतलब है कि ये प्लांट्स किसको डैमेज कर रहा है, ये जो एम आरएनए किसको डैमेज कर रहा है, प्लांट के किस पार्ट्स को डैमेज कर रहा है, ये रूट्स को डैमेज कर रहा है। जब रूट्स को डैमेज करेगा तो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम हो जाएगा। क्या होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से क्या होता है, इसका यील्ड लो हो जाता है। तो कहने का मतलब है ये जो बाहर से इसमें क्या डाले, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए डाला, नहीं जब आप इसमें डालते हैं ना तो इसमें जो क्या चीज का फॉर्मेशन करता है, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्म करता है। मतलब क्या, जैसे आप डालेंगे ना इसके जिन को डालेंगे ना तो क्या चीज का फॉर्म करेगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्म करेगा। तो यहां पे क्या होगा, आप देख लीजिए ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, आप देख लीजिए यहां पे ये जैसे प्लांट्स में डीएनए गया बाहर से, तो ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए, नहीं जैसे इन करेगा तो ये क्या होता है, ये ब्रेक्स हो जाता है, ये टूट जाता है छोटे छोटे पीस में, ये टूट जाता है छोटे छोटे पीस में, क्या होता है ये टूट जाता है। तो ये कौन तोड़ता है इसको, डबल स्टैंडर्ड आने को, डबल स्टैंडर्ड आने को इसमें जो एंजाइम होता है उसका नाम है डाइसर, या और दूसरा होता है इसमें ड्रोसा भी होता है, नहीं ये एंजाइम है जिसको कहा, क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है इंडो न्यूक्लियस एंजाइम होता है। तो क्या करेगा, ये सीधा काम करता है, ये काटता है, ये जब काटेगा तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े में पीस में टूट जाता है, टूट गया तो टूटे बाद क्या होता है, ये बनाता है आपको शॉर्ट इंटरफेरिन आरएनए का फॉर्मेशन करता है, राइट डाउन। तो क्या हुआ यहां पे, यहां पे होता क्या है कि ये जो ब्रेक होता है ना, डबल स्ट्रैंड क्या है, आरएनए है, इसमें इंजाइम कौन सा है, डाइसर है, डाइसर इंजाइम है, कौन सा, इंडियो राइबो न्यूक्लियस जो कट करता है और छोटे छोटे क्या है, छोटे छोटे पीस में क्या होता है, तोड़ देता है, जो पीस न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में रहता है। और कितना न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है, 21 to 24 न्यूक्लियोटाइड का फॉर्म। तो ये एस आई आर एन ए शॉर्ट इंटरफेरॉन आरएनए का फॉर्म करता है। अब देख लीजिए यहां पे, अब जैसे ही ये निमेटोड प्लांट्स अटैक किया,
जैसे नेमाटोड प्लांट अटैक किया, किस पे? ये अटैक करेगा टोबैको प्लांट्स। तो आप जानते हैं ना कि इसमें जो क्या होता है, मैसेंजर आरएनए होता है, नहीं इसका सेल क्या चीज बना होगा, इसका सेल बना होगा आपका प्रोटीन का, प्रोटीन का बना होता है। आप प्रोटीन क्या चीज बनाता है, डीएनए का बना होता है। तो ये मैसेंजर आरएनए होता है ना, तो ये क्या करेगा, वो इंट्रोड्यूस करेगा इस होस्ट प्लांट में टोबैको में डाल देगा। जब डाल देगा तो ये एसआईआर आ रहा है ना, यहां पे डाल देगा तो ये कंबाइन कर लेगा क्या चीज, एम आर एन ए इसके साथ कंबाइन कर लेगा। क्या करेगा, एम आर एन ए कंबाइन करता है, जिसको क्या बोलते हैं, आर एन ए रिस्क कहा जाता है। रिस्क मतलब इसको क्या कहता है, ये रिस्क कहा जाता है, मतलब यहां हुआ आरएनए इंट्रोड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, रिस्क का, क्या बोलते हैं उसको, रिस्क, नहीं मतलब यह है इसको आरएनए, मतलब है कि आरएनए इंट्रोड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। मतलब क्या हुआ, ये जो रिस्क है ना, कब फॉर्मेशन हुआ, ये जब कॉम्प्लेक्स हुआ, एस आई आर एन ए मिला और एम आर एन ए जब कंबाइन करता है, उसको क्या बोले, उसको क्या बता है, रिस्क कहा जाता है। नहीं मतलब आर एन ए इंट्रोड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, ये जब कंबाइन करता है तो आप जानते हैं ये कंबाइन करता है तो क्या होगा, ये कंबाइन करेगा ना तो वहां साइलेंसिंग पैदा करेगा, साइलेंसिंग करेगा किसके, वहां पे जो नेमाटोड का जो आ रहा है, जो नेमाटोड का जो डीएनए है, नेमाटोड का जो जो मैसेंजर आरएनए है, उसको क्या करेगा, साइलेंट कर देगा। तो साइलेंट करेगा, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, There is no formation of protein. नहीं, there is no formation of protein. तो protein नहीं होगा, जब protein नहीं होगा तो क्या होगा, तो यहां से protein नहीं होगा, तो जैसे ही ये in करेगा तो ये जो आपका small या short interference जो RNA है वो आपके insect को क्या कर देगा, मार देगा। एक प्रोसेस ही है, नहीं ये डेथ कर जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से जो है ये जो प्रोसेस है, इस तरह से प्रोसेस में क्या किया जाता है, साइलेंसिंग करके उस इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय किया जाता है। अब है कि सोर्स ऑफ क्या होता है इसका, नहीं आप यहां देख लीजिए कि सोर्स ऑफ डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्या होता है, इसका सोर्स क्या होता है, कहा जाता है इसका, इसका सोर्स जो है दो है, पहला है कहा जाता है ट्रोपोजोन, क्या कहता है, ट्रोपोजोन कहा जाता है, या इसको क्या कहता है, जंपिंग, जंपिंग जीन में कहा जाता है, नहीं तो इसका जो ये आप जानते हैं ना, जब हम बाहर से आउटर से डीएनए को इन किए थे तो डीएनए का फॉर्मेशन कहां से हुआ था, डीएनए का फॉर्मेशन हुआ था इसी ट्रोपोजोन से, इसे क्या कहते हैं, जंपिंग डीएनए कहा जाता है, और जंपिंग जीन, और दूसरा क्या है इसका सोर्स, इसका सोर्स है वायरस। आप जानते हैं कि ये दोनों चीज जो है ना, ये दोनों चीज जो है आप जानते हैं, यहां पे जो वायरस है वो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, तो जानते हैं ट्रोपोजोन क्या बनाएगा, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाएगा, और चूंकि ये वायरस जो है ना ये बनाता नहीं है, ये कैसे बनाएगा, ये बैक्टीरिया को किल करता है, बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया को किल करता है,
और वहां पर क्या बनाता है, जब बैक्टीरिया की करेगा तब जाके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का फॉर्म करता है। ये सोर्स है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का फॉर्म करता है। आप जानते हैं कि ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये ऑलवेज फॉर्मेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, क्या चीज का फॉर्म करेगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्म करेगा। तो इस तरह से इसके सोर्स से क्या करते हैं हम, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं, तब जाके हमारा ये जो आरएनए आज जो मेथड है, ये मैकेनिज्म है, हमारा क्या होता है कंप्लीट होता है, तब जाके क्या होता है पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट का फॉर्मेशन होता है। ओके, थैंक यू।